हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निशा मधुरिमा रीडिफाइंड रेसिपीज़ चैनल। आज हम बनाएंगे शाही लस्सी। लस्सी पीना सभी को बहुत पसंद होता है। वैसे भी गर्मियों के दिनों में दही हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे हमारे शरीर को अंदर से ठंडक मिलती है, इसीलिए हमें दही रोज़ लेना चाहिए। क्या आपको रेस्टोरेंट वाली लस्सी बनानी नहीं आती है? तो कोई बात नहीं है, आज हम आपको रेस्टोरेंट स्टाइल वाली लस्सी बहुत ही इजी स्टेप्स में सिखाएंगे। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 2 कप मीठा दही, जो कि 500 ml है। 7 से 8 आइस क्यूब्स लिए हैं। 1/2 कप हमने पिसी हुई चीनी ली है। 1/4 teaspoon हमने गुलाब एसेंस लिया है और एक छोटा टुकड़ा हमने जायफल का लिया है कूटकर। 1 tablespoon हमने खट्टा दही लिया है और 5 से 6 हमने पिसी हुई इलायची ली है हरी, और इसके साथ हमने कुछ बादाम लिए हैं और कुछ काजू लिए हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने एक मिक्सी का जार लिया है, इसमें हम सबसे पहले मीठा दही डालेंगे। अब हम डालेंगे खट्टा दही। अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। चीनी डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे इलायची और जायफल का पाउडर डाल देंगे। अभी हम इसमें आइस क्यूब्स डालेंगे। 7-8 आइस क्यूब्स हमें डालना है इसमें। जितना ठंडा आपको अच्छा लगता है आप उतना डाल सकते हैं। इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, एकदम अच्छे से मिक्स हो रहा है। देखिए बहुत अच्छे से ये मिक्स हो गया है। इसमें अभी हम रोज एसेंस डालेंगे। अभी हम इसमें बारीक कटे काजू बादाम डाल देंगे। इसे हम एक बार फिर से ब्लेंड कर लेंगे। देखिए अभी अच्छे से ब्लेंड करना है हमें, ताकि इसमें अच्छे से टेस्ट आ जाए काजू बादाम की। देखिए हो गया अभी ये ब्लेंड, बहुत अच्छी दिख रही है हमारी लस्सी। चलिए इसे सर्व करते हैं। हमने 2 कांच के ग्लास लिए हैं, इसमें अभी हम लस्सी डालेंगे। 1 ग्लास हमने फिल कर दिया है, अभी हम 2 ग्लास में भी फिल करेंगे अच्छे से। देखिए कितनी सुंदर दिख रही है लस्सी, एकदम गाढ़ी बनी है। इसे अभी हम गार्निश करेंगे अच्छे से। हमने इसके ऊपर एक बादाम रख दिया है, अभी हम 2 ग्लास के ऊपर भी एक बादाम रखेंगे। अभी हम इसके ऊपर बारीक कटे हुए काजू बादाम डाल देंगे। धीरे धीरे हमें इस पर स्प्रिंकल करना है। 1 ग्लास पर डाल दिया हमने, अभी 2 ग्लास पर भी हम अच्छे से डाल देंगे। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, एकदम शाही लुक इसे आया है। टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा आता है। बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम चीज़ों के साथ हमने ये शाही लस्सी बनाकर रेडी कर ली है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी लस्सी बनती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ में जो बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। नमस्ते।